नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति। तबलीगी जमात का नाम आपने जरूर सुना होगा। अभी हाल ही में जिस तरह से आरोप लगे हैं कोरोना के समय तबलीगी जमात को लेकर, अब खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पे बैन लगा दिया है और सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया है कि जितने भी तबलीगी जमात के संगठन के लोग हैं वो सऊदी के जितने भी मस्जिद हैं उससे खाली कर दें अगले जुमे की नमाज तक, और हमारा नागरिक कोई भी कोशिश करे कि इन संगठन से ना जुड़े। सऊदी अरब का ये बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो तबलीगी जमात है ये आतंकवादियों के दरवाजों में से एक है। ऐसी प्रक्रिया अगर भारत करता तो आप क्या राय रखते हैं? यहाँ पे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो सड़कों पे आते हैं और कहते हैं कि भारत सरकार मुस्लिम विरोधी है। अब जिस तरह से सऊदी ने बैन किया है और भी कई देश तबलीगी जमात को बैन कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार भी तबलीगी जमात को बैन करेगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको बताते चले कि ये तबलीगी जमात भारत में पहली बार 1926 में आया, यहाँ पे संगठन बना और सुन्नी के वर्ग के लोग यहाँ पे तबलीगी जमात में रहते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन इस धर्म, इस जो संगठन है तबलीगी जमात, इस पे काफी आरोप भी लगे हैं, बहुत ज्यादा आरोप लगे हैं, कभी कभी भड़काऊ भाषणों का आरोप लगा है और न जाने कितने आरोप लगे हैं। आपकी क्या राय है, क्या भारत में तबलीगी जमात को बैन करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।